खरगोन के जिला कलेक्टर स्वामी विवेकानंद सभागृह हॉल में गुरुवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवीकरण ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह भाटिया भी पहुंचे। लिहाजा आयोजित बैठक में सांसद गजेंद्र पटेल, जिला कलेक्टर अनुग्रह पी, विधायक सचिन बिरला सहित अधिकारी सदस्य मौजूद थे। इस दौरान मंत्री डंग ने बताया कि कोरोना को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण पहलुओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट डालने की बात कहकर जल्द कार्य पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, लगातार जो कोरोना महामारी पर लगातार जो इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, क्या कमियां हैं, उसको हम आगे कैसे पूरी कर सकते हैं, वर्तमान में जो यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी क्या हालत है, उसमें आगे क्या अपन को स्टेप उठाने हैं और वैक्सीन लगाने के लिए आगे और कौन से कदम उठाएं जिससे वैक्सीन अधिक से अधिक व्यक्तियों को लग सके, ये आज हमने पूरी यहाँ पर बैठक में सब तय करा है। और मेरा मानना है पूर्ण एक सहमति के साथ एक कोरोना से लड़ाई लड़ना, एक को इलाज करना है जिसकी सुविधाएं सब उपलब्ध कराना है, एक दूसरी लड़ाई अपन को ये लड़ना है कि कोरोना होने से वंचित व्यक्तियों को वंचित रहे, वो भी लड़ाई अपन को लड़ना है कि कोरोना होए ना, और उसके कारण अगर वैक्सीन लगता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता एक अपने मन से जो डर है और भय है जिनके मन में कि वैक्सीन लगाने से कोई गड़बड़ होती है या कोई गलत होता है, तो आज मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि एक मेरे को कल मैंने झाबुआ में मीटिंग ली थी, 75 साल के एक व्यक्ति ने, भोरा समाज के थे, उन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई, उनको कोरोना हुआ और 5 दिन के अंदर ठीक होके वो वापस अपने घर चले गए। मेरा मानना है कि जो वैक्सीन का जो टीका लगवाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, कोरोना होने के बाद भी कोरोना से उसकी कोई जो मृत्यु होने का जो डर रहता है वो कतई नहीं रहेगा और वो सुरक्षित होगा। इसलिए हमने एक सामाजिक मीटिंग भी अभी बुलाई है, समाज के प्रमुखों को यहाँ पर बुलाया है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने हिसाब से सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनकी धर्मशाला में वैक्सीन लगवाएं और अपने को भी सुरक्षित रखें, अपने देश को भी रखें। नहीं देखो, जब ये महामारी पूरे भारत और पूरी दुनिया में है तो कहीं ना कहीं खरगोन में भी इसका प्रभाव है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ऑक्सीजन यहाँ पर आती रहे, यहाँ पर इंजेक्शन मिलते रहें, पर वो कहीं ना कहीं किसी बात को अभी मैं कुछ बोलूँगा तो अभी ये मीडिया वाले बंधु हैं उसका बात कहीं ना कहीं दूसरे रूप में पेश हो जाती है। पर मेरा मानना है कि जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, वो किस स्थिति में लगता है, कब लगना चाहिए, या कहीं कुछ भी होता है, कोरोना का थोड़ा सा भी बात आती है तो हर आदमी वो उसको मांगने लगता है, और थोड़ा सा कुछ होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत, माना कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इंजेक्शन भी ज़रूरी है, टाइम टाइम पे आते रहते हैं और हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आगे भी उसको टाइम टाइम पे यहाँ पर आते रहें और सुरक्षित मरीज अपने घर जाएं। सर जी मेरा मानना है कि जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो करीब 7,500 व्यक्ति अपने घर इलाज करके वापस चले गए, तो वो भी तो एक इलाज हुआ होगा तो ही वापस गए। अपन नेगेटिव बात तो देख रहे हैं कि इतनी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तो दुनिया में सेकंड फेज आया, बहुत तगड़ा आया है, पर उसमें ये भी है कि यहाँ पर जो इलाज होकर घर को वापस गए हैं, होम क्वारंटाइन जो वहाँ पर हुए हैं उनको लगातार मेडिकल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लगातार उनको डॉक्टर संपर्क में हैं। तो हमारा कहना है कि भाई कुछ आज बीमारी आई है तो उसमें हम पूरी संघर्ष कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से समाज सेवियों के हिसाब से उसमें संघर्ष कर रहे हैं, और अगर कुछ कमी हो तो उसको हम पूरा करेंगे और हम जीतेंगे, अपन जीतेंगे और कोरोना हारेगा। जैसे अभी अपन सबको देखने में आ रहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीजन, और इसलिए खरगोन जिला चिकित्सालय में एक नए ऑक्सीजन प्लांट का काम भी प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने 37 ऐसे जिले चिन्हित किए थे जिसमें अत्यंत ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और इसमें बड़वानी और खरगोन मेरी लोकसभा के दोनों ज़िले शामिल हैं, और दोनों ही जिलों के ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होगी। 85 लाख से बनने वाला ये ऑक्सीजन प्लांट निश्चित तौर पे 15 दिन में उसका बेसमेंट तैयार हो रहा है, 15 दिन बाद वो जिस कंपनी से अनुबंध किया है वो कंपनी आएगी, और आने वाले 1 महीने में हमारे खरगोन हॉस्पिटल में जितने पेशेंट भर्ती रहेंगे उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का प्लांट डल जाएगा
जिसका लाभ हमारे खरगोन की जनता को मिलेगा। कोविड की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन में भी पिछली बार माता का त्यौहार गया है, लोगों ने अभी कुछ शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी लगे हुए हैं, लॉकडाउन का पालन करने के लिए शासन प्रशासन के लोग काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं, फिर भी जहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ पर कहीं संक्रमण फैल रहा है, तो संक्रमण फैलने से भीड़ भी बढ़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएँ भी हो रही है, फिर भी शासन प्रशासन जनता और हम सब लोग मिलकर उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई, रेगुलर इंजेक्शन देने का क्रम चल रहा है और निश्चित तौर पर इस पूरी परिस्थितियों पर कंट्रोल बना रहे और कहीं ना कहीं हमारे जीवन हम सब लोग सुरक्षित कर पाए, इसके लिए पूरा प्रयास सरकार हम लोग कर रहे हैं। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि मरीज के साथ में जो लोग अटेंडर लोग आ रहे हैं, उसमें दो दो तीन तीन लोग आ रहे हैं, उसको रोकने का हम प्रयास भी करा रहे हैं। आज की बैठक में उस पर विभिन्न पहलू पर हमारी बातचीत भी हुई और ये सबका कहना पड़ा कि रोकने के बाद भी कहीं के अटेंडर के लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे एक मरीज के साथ में तीन तीन चार चार लोग रहते हैं, जिससे कहीं के संक्रमण फैलता है। उस पर भी आज निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर कल परसों में हमारे वार्ड बॉय सबकी नियुक्तियाँ हो रही है, रोकने का क्रम ताकत से कल से शुरू हो जाएगा। एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडर का टाइम फिक्स होगा, जिससे संक्रमण कम हो पाए, और इसलिए उस पर निर्णय भी आज की बैठक में लिया गया। निश्चित तौर पर ये निर्णय जनता के हित में लिया गया है। खरगोन से ईडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।